तो हमारा राष्ट्र जो है 321 लगभग ईस्वी सन से हमारा देश परतंत्र रहा है। और परतंत्र ऐसा नहीं रहा कि मैं राजा हूं तो मैंने राज कर लिया तो कुछ नहीं, राज उस ऐसा हुआ तलवार की नोक पर। धर्म परिवर्तन करोगे अथवा गर्दन कटानी पड़ेगी तुमको। इस्लाम ने इस प्रकार का राज हमारे देश के ऊपर किया। ईसाइयत भी तलवार की नोक पर राज किया, बाद में सेवा का काम करते हुए आ रही है। अगर इस प्रकार की स्थिति रहती, बाद में अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया, इस प्रकार की स्थिति रहती तो हमारा देश समाप्त हो जाता। देश समाप्त यानी यहाँ का हिंदू समाप्त हो जाता। लेकिन हिंदू ने गर्दन कटवाना स्वीकार किया लेकिन धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। ऐसा हिंदू, और वो उसका कारण क्या था? उसका कारण था सिर्फ धर्म। और जिसको हम कहते हैं हिंदुत्व, यह हमारा गुरुत्व है जो कहीं ना कहीं हमको अपनी ओर खींचता है। धर्म के आधार पर हमारा पूरा हिंदू समाज खड़ा हो जाता है। तो उस प्रकार के धर्म के जागरण के लिए हम सब लोग काम करने वाले हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ धर्म जागरण का काम हमारा काम नहीं है, ये भगवान राम का काम है, भगवान कृष्ण का काम है, हनुमान जी का काम है। उस काम को हम सब करने वाले, इसलिए भगवान का काम हम कर रहे हैं, वो तो संपन्न होने वाला है। और हम अच्छे से अच्छा लगकर प्रत्येक घर तक की, प्रत्येक घर में जितने भी हिंदू समाज के मातृ शक्ति है, पुरुष वर्ग के लोग हैं, प्रत्येक लोगों तक ये बात जाए कि ऐसा हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है। और उस आयोजन में जितना हिंदू समाज रहता है कोई घर बाकी नहीं रहना चाहिए, उस व्यक्ति का यहाँ सहभाग ना हो। उस प्रकार का प्रयास करेंगे, उस प्रकार का हमारे यहाँ प्रसाद का वितरण होने वाला है। प्रत्येक घर से कुछ ना कुछ उसके लिए सहयोग मिलना चाहिए। एक सूर्य अनाज क्यों ना मिले, एक रुपए क्यों ना मिले, लेकिन प्रत्येक इस क्षेत्र के हिंदू समाज के लोगों का उसमें सहयोग चाहिए। वो भगवान के काम का सहयोग है, और ऐसा करेंगे तो हमारा आयोजन सफल होगा। और फिर हमारी बार बार चर्चा होने वाली है, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की समितियां बनेगी, अनेक प्रकार की रचनाएं बनेगी, तो हम बार बार चर्चा करने वाले हैं। बस इतना ही। अरे काली की मस्ती, अरे संजीव, अरे संजीव, अपन लोग